राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच गुरुवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले को गुजरात टाइटंस ने 37 रन से जीत लिया। इस मुकाबले के साथ ही गुजरात की टीम अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है। उन्होंने अब तक खेले 5 मुकाबलों में ये चौथी जीत दर्ज की है। वहीं राजस्थान की टीम को इस हार से बड़ा नुकसान हुआ है। इस हार के बाद उनकी टीम नंबर 1 से खिसक कर नंबर 3 पर पहुंच गई है। ये तो हुई दो टीमों की टक्कर की बात, जहां बाजी मारी गुजरात टाइटंस ने, लेकिन इसी मुकाबले में ही दो खिलाड़ियों की भी टक्कर हुई। ये टक्कर थी ऑरेंज कैप की। इस मैच के शुरू होने से पहले राजस्थान के बल्लेबाज जोस बटलर के पास ये सम्मान था, लेकिन जब राजस्थान ने टॉस जीतकर गुजरात को बल्लेबाजी के लिए बुलाया तो हार्दिक पांड्या ने ऐसी कमाल की पारी खेली जिसने उनकी टीम को मैच तो जिताया ही, साथ में उन्हें ऑरेंज कैप की रेस का मुख्य खिलाड़ी बना दिया। हार्दिक ने मुश्किल में फंसी अपनी टीम के लिए कठिन हालातों में 87 रन की बेहतरीन पारी खेली और बटलर के इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। हार्दिक ने जैसे ही बटलर को इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ा तो उसी समय फील्डिंग कर रहे बटलर ने अपनी ऑरेंज कैप उतार दी, ये बताने के लिए कि वो अब इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर नहीं है। बटलर के इस काम की सोशल मीडिया में भी काफी तारीफ हुई। हालांकि बटलर ने हार्दिक को ज्यादा देर आगे नहीं रहने दिया। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी आने पर 24 बॉल में 54 रन की धमाकेदार पारी खेलकर फिर से ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया। बटलर ने इस टूर्नामेंट में अब तक 272 रन बना लिए हैं, तो वहीं हार्दिक बटलर से 44 रन पीछे हैं और उन्होंने अब तक 228 रन बनाए हैं।